सुविधाओं के मामले में वंचित वर्ग को दीपावली से पहले खुशियां देने का काम सेवा भारती संस्था करने जा रही है। कोरबा जिले के अनेक गांव में लोगों को साड़ी सहित अन्य वस्त्र वितरित करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाज से इस योजना के लिए काफी संख्या में वस्त्र प्राप्त हुए हैं। साधन विहीन लोगों के बारे में लगातार चिंता करने वाले वर्ग की उपस्थिति भी कोरबा क्षेत्र में बनी हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को त्योहार के अवसर पर कैसे खुश किया जाए, जिसके लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। अखिल भारतीय संगठन सेवा भारती ने इस कड़ी में योगदान जारी रखा है। 1 से 15 नवंबर तक कोरबा जिले में चलाए गए वस्त्र समर्पण अभियान के अंतर्गत हजारों की संख्या में समाज की ओर से वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। इस कार्य में खास तौर पर मातृशक्ति ने अपनी भूमिका निभाई। विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहित किए गए और अनेक लोगों के द्वारा दीपावली उपहार के रूप में नए वस्त्र भी प्रदान किए गए हैं। वस्त्रों में ठंड को ध्यान में रखते हुए कंबल को भी शामिल किया गया है। ऐसे सभी वस्त्रों को अलग अलग समूह में विभाजित करने का काम महिला संगठन ने किया। आगामी दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में वस्त्र वितरित किया जाएगा। सचिव ने बताया कि साधन संपन्न लोगों की ओर से उस वर्ग को खुश करने के लिए छोटी सी कोशिश की जा रही है, जो कई कारणों से अभाव भरा जीवन जी रहे हैं। हमने वस्त्र सेवा प्रकल्प शुरू किया है दीपावली से पूर्व, जो कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जरूरतमंद वंचित समाज के लोग हैं, उन तक हम अच्छे जिस तरीके कपड़े हम वस्त्र दिवाली पर पहनते हैं उस तरह कपड़े उन तक भी पहुंचा सकें, इसके लिए हमने वस्त्र सेवा प्रकल्प के तहत समाज से विभिन्न वर्गों से नए एवं अच्छे पुराने कपड़ों का संग्रह किया है। और इसके तहत लगभग 1000 साड़ियाँ हमारे पास और इतनी ही संख्या में शर्ट और पैंट हमने एकत्र किया है। इसको हम अभी जैसा वितरण करेंगे तो जैसा हमको है कि सेवा भारती के तहत हम सेवा कार्य में हमेशा जो करते हैं सेवा कार्य, तो वंचित समाज के लिए अच्छा उन तक एक खुशियों वाली दिवाली, उनकी भी एक अच्छी सोच हमारी है कि उनको भी एक अच्छी तरीके से उनकी दिवाली मना सकें, अधिकतम लोगों तक यह सेवा पहुंच सके, इसके लिए सेवा भारती लगातार प्रयत्नशील रहेगी। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के 1.5 लाख से अधिक कार्यों का संचालन अखिल भारतीय स्तर पर सेवा भारती के द्वारा किया जा रहा है। इनमें आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे प्रकल्प मुख्य रूप से शामिल हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट।